And third part is the. But let me tell you here one point very clearly, that science doesn't mean only these three branches. No. Science has a lot of branches. Even math is considered as a part of science. Physics, when you study physics, you come to about the 50% of the maths is used in physics. So maths is also the part of science. But majorly, generally, we have three parts. One is physics, chemistry, and biology. My main concern for you guys will be of chemistry. So my question was, what is chemistry? Question is, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और उसमें भी दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, ये क्या हो गया?
दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो बताओ कि उन्होंने कैसे अपने आप को अरेंज कर रखा है, कि अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब जो तीसरा बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई वाटर समझ आ गया, अब बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए यूज करना सेफ है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको यूज करना हमारे लिए सेफ नहीं है, दीज आर डेंजरस फॉर आवर एग्जिस्टेंस। कि वाटर, वाटर इज वन ऑफ द लिक्विड, वन ऑफ द फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन ऑन अर्थ। व्हेन नासा और ह्यूमन बीइंग टॉक अबाउट सर्च रिलेटेड टू द लाइफ ऑन द मार्स, सबसे पहले क्या 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 ढूंढते हैं, वाटर ढूंढते हैं। जब भी हम चांद के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, कि वहां पर पानी है क्या नहीं है। तो वाटर is one of the reasons why we are existing today, ठीक है? तो क्या हर एक लिक्विड को यूज करना, क्या हर एक लिक्विड हमारे लिए इतना जरूरी है? आंसर इज नो। भाई कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए जहरीले हैं, टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक है, अगर हम उनको पी लेते हैं तो डेथ हो जाएगी। तो वाटर जो है, अब पहला वाटर की कंपोजिशन फाइंड आउट की, दूसरा वाटर का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, और तीसरा कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है? तो हमारे पास दिमाग में तीन क्वेश्चन आने चाहिए दुनिया के किसी भी चीज को देख के। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर के बारे में सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन कि भाई ये मार्कर किस किस चीज का बना है, ठीक है? इसके अंदर तीन चीजें हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, प्लास्टिक है ना, बेसिकली प्लास्टिक पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप जिसको कहते हैं, आपके घरों में जो पानी की फिटिंग होती है, जो पाइप्स यूज होते हैं बिजली की फिटिंग में, जो पाइप्स यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप्स के अंदर क्या होता है, उसका उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो अगर मैं दिमाग में लेके चलता हूँ कि पाइप, पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई पाइप के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, तीन चीजें हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है? लेकिन कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने क्लोरीन? कार्बन है, फॉर्मूला इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड बॉन्ड क्या है ये हम आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, बट दो कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पाइप, ठीक है ना? तो पहला दिमाग में क्वेश्चन क्या आया था कि पाइप है, पाइप किस चीज से उसके बने हैं, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है? कितने कार्बन है, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, क्लोरीन कितना है, ये पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आ गया कि भाई कंपोजिशन क्या है। दूसरा कि भाई दो कार्बन, तीन हाइड्रोजन, एक क्लोरीन आपस में किस हिसाब से अरेंज है, कैसे अरेंज है ताकि वो उस स्ट्रक्चर में आ सके जो आज हमारे पास है, होता है ना गोल पाइप होता है, तो किस हिसाब से मैं कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन को अरेंज करूं कि वो गोल पाइप आ जाए और इतनी स्ट्रेंथ उसकी आ जाए, ठीक है? तो वो उसकी क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब हमारे पास आया। अब तीसरे क्वेश्चन का जवाब आया कि देखो कुछ जब पाइप्स की ऐड आती है तो वो कहते हैं कि गर्म पानी भी इसमें से आप यूज कर सकते हो, ठंडा पानी भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी पाइप्स होती हैं जिसमें से अगर आप गर्म पानी को पास आउट कराओ तो वो पाइप खराब हो जाएगी, जिसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपने उसके अंदर HCl डाल दिया, बताओ कैसे बिहेव करती है। आपने उसके अंदर NaOH उठा के डाल के देखा कि वो कैसे रिएक्ट करता है। आपने ये देखा कि उसकी उस वो जो है बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ की जो है कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिसको अगर आप धूप में रख दो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या होती है, ये सब होती है उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो केमिस्ट्री हमें बेसिकली तीन क्वेश्चन के जवाब देगी। फिर से आते डेफिनेशन में, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या क्या बताएगी, जो बताएगी हमें विच डील्स कंपोजिशन। सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी चीज की कि वो किस किस चीज से मिलके बनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कंपोजिशन मतलब किस चीज से मिलके बनी है, अगर उसके अंदर जो भी चीजें इस्तेमाल हुई वो कितने कितने इस्तेमाल हुई वो कंपोजिशन आ गई। सेकंड उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब कि वो कैसे आपस में अरेंज है, कहाँ पर क्या चीज है, वो क्या हो गया उसका स्ट्रक्चर, एंड वेरियस प्रॉपर्टी, याद है ना? प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती हैं। पहला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी
क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे सून यू विल कम टू नो कि भाई अब केमिस्ट्री के डेफिनेशन पे आओ कि केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड वेरियस प्रॉपर्टी कि भाई ठीक है किसी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लेकिन किसकी बात करनी है, कोई ना कोई चीज़ तो हम लेंगे और कोई भी चीज़ है उसको हम लोग साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ क्या लिया, वाटर लिया, तो वाटर मेरे लिए क्या हो गया, मैटर हो गया। यहाँ क्या ली, पाइप्स ली, तो पाइप मेरे लिए क्या हो गई, मैटर हो गई। ठीक है, तो आई होप क्लियर कि दुनिया की किसी भी चीज को देखकर, किसी भी चीज को देखकर हमारे दिमाग में तीन क्वेश्चन आएंगे। पहले वो किस किस चीज से मिलकर बनी है, और अगर मान लेते हैं कि उसके अंदर चार चीजें यूज हुई या पांच हुई या छह हुई, वो कितनी कितनी यूज हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई हम उनको कैसे कैसे अरेंज करें ताकि वो उस फॉर्म में आ सके जिस फॉर्म में वो हमारे पास है, समझ रहे हो मेरी बात। तीसरी कि उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज का मतलब ये दो तरीके की बात है, फिजिकल और केमिकल। प्रॉपर्टीज का सीधा सीधा मतलब ये होता है यार कि उसको किसी चीज के साथ जब रिएक्ट कराओगे कैसे बिहेव करेगी, ये हो गई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब उसको किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट कराओगे। अगर केमिकल के साथ नहीं रिएक्ट करा रहे और आप बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं कि उसका कलर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, उसके फिजिकल स्टेट क्या है, उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि व्हेन एवर आई टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या फिर वो गैस है, उसका क्या कलर, उसकी क्या स्मेल, उसकी क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी क्या डेंसिटी, ये सब उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ भाई केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब सीधी सीधी बात है उसकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ, तो उसके अंदर कभी हमने कोई एसिड डाल के देखा, कभी कोई बेस डाल के देखा, कभी NaOH डाल दिया, कभी HCl डाल दिया, कभी सल्फ्यूरिक एसिड, कभी इथेनॉल, कभी इथेनोइक एसिड, कभी इथेनॉल, कभी प्रोपेनॉल, ये सब वो कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई कोई भी दूसरे केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी सी बात है ना कि कलर, आपको कलर पता करना है क्या, कोई केमिकल रिएक्शन करा के देखनी पड़ेगी, नहीं, सीधा आप देख सकते हैं। स्मेल, उसके लिए भी कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए कभी कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज हम किस किस की स्टडी कर रहे हैं, मैटर की। मैटर कौन सी क्लास में पढ़ा था, मैटर पढ़ा था हमने क्लास में, तो हम फिर से आते हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब हम यहाँ पर कुछ ऐसी बेस की बात करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो बेस का काम करेंगी हमारी साइंस की नॉलेज में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ किसके साथ कि भाई मैटर क्या है। मैटर, ठीक है, मैटर आपको पता है इसकी, इसको डिफाइन करते हैं हम एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास दैट इज कॉल्ड मैटर। ये कौन सी क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लास नाइन्थ में पढ़ी थी। अब नाउ वी आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन, नाउ वी आर इन क्लास इलेवन, तो क्लास इलेवन में हम चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ,
अगर हम सिर्फ उसको फील कर पाते हैं, जैसे जैसे गैस, गैसेज आर नॉट विजिबल बट गैसेज आर मैटर, क्योंकि गैसेज कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, गैस का कुछ ना कुछ मास होता है। अब कहोगे सर गैस का मास कैसे होता है, गैस सिलेंडर यूज करते हैं हम किचन में, किचन में जो गैस सिलेंडर यूज होता है उसके ऊपर आप देखें कभी लिखा होता है नेट वेट या अमाउंट ऑफ गैसेज इतने के जी, कैसे निकाला है कि हमने सिलेंडर लिया खाली उसका वजन कर दिया कि सपोज करो उसका वजन आया 15 किलोग्राम, उसके बाद गैस भरी हमने उसमें, जब गैस भरी तो गैस भरने के बाद फिर से वजन किया तो अब नया वेट आ गया 21 kg। लेकिन अब जो नया वेट आया उसके अंदर मास का, मास किसका जुड़ा हुआ है, वो सिलेंडर का भी है प्लस गैस का भी है, यानी कि गैस प्लस सिलेंडर इज इक्वल टू 21। तो गैस का अमाउंट कितना आ गया, 21 माइनस मास ऑफ सिलेंडर, दैट इज 6 किलोग्राम। तो गैस का मास निकाल दिया, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम पूरा सिलेंडर है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। तो गैसेज एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम सिर्फ हम देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, बट हाँ वी कैन फील इट, ठीक है। तो मैटर हमेशा आप देख पाएंगे ये जरूरी नहीं है, मैटर को आप फील भी कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, आप उसको स्मेल कर पा रहे हैं, आप उसको जो है फील कर पा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या आएगा, मैटर, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, और इसी को मैं कहूंगा एंड ठीक है। अब यहाँ एक बात आप याद रखें, जैसे क्लास 9 में हम लोग सिखा देते हैं कि भाई फीलिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मैटर, जैसे मैं सीधा लिखता हूँ स्मेल, स्मेल इज नॉट मैटर बट स्मेल ऑफ परफ्यूम वो क्या है, मैटर है, ठीक है ना। परफ्यूम स्मेल, खाली स्मेल अगर लिखते हैं तो वो फीलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम वो क्या हो जाएगा आपका, मैटर। तो मैटर फॉर मी इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास एंड द प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। अगर आपको मैटर को क्लासीफाई करना हो तो मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने, या मैं इसको इसको हमने जो है मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकेंड क्या है, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर है इसमें हमने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं गैस। क्लास 9 में पढ़ते आए हैं हम। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पास शेप कैसी होगी, शेप होगी डेफिनेट, डेफिनेट मतलब इट रिमेन फिक्स, इट रिमेन फिक्स। जैसे ये मार्कर मेरे लिए क्या है, सॉलिड है, इसकी शेप क्या है, फिक्स है। लेकिन लिक्विड के लिए कैसी होती है, वो इनडेफिनेट, ठीक है ना। लिक्विड के लिए इनडेफिनेट मतलब कोई लिक्विड है आपके पास, पानी है सपोज करो, पानी को आप ग्लास में डाल दो तो ग्लास की जो शेप होगी वो ले लेगा, आप उसको बाउल में डाल दो जो बाउल की शेप होगी वो उसी शेप में आ जाएगा, बकेट में डाल दो जो बकेट की शेप है वो उसकी शेप आ जाएगी, टब में डाल दो तो टब की शेप को वो अपनी शेप बना लेगा। मतलब वाटर को जिस कंटेनर में रखोगे जो उस कंटेनर की शेप है वाटर की शेप भी वैसी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को बकेट में डाल दूँ तो भी यही शेप का रहेगा, मैं इसको ग्लास में डाल दूँ तो भी यही शेप का रहेगा, इसकी शेप चेंज नहीं करेगी। तो सॉलिड की शेप कैसी है, डेफिनेट। लिक्विड की शेप कैसी होती है, इनडेफिनेट। मतलब जैसे ही कंटेनर चेंज लिक्विड की शेप चेंज, गैसेस भी कैसे हैं, इनडेफिनेट, ठीक है शेप। उसके बाद आ गए हम बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉलिड के लिए वॉल्यूम भी कैसा होता है, डेफिनेट। लिक्विड के लिए वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट, ठीक है। बट गैस के लिए वॉल्यूम क्या होता है, इनडेफिनेट।
उतना ही गिरेगा जब तक मैं इसकी शेप चेंज नहीं करूंगा। जब तक इस शेप में है तब तक इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन लिक्विड, लिक्विड की डेफिनेट कैसी है? अरे भाई एक गिलास पानी लो, आपको वॉल्यूम पता चल गया उसका। एक जो गिलास का वॉल्यूम होगा वही वाटर का वॉल्यूम होगा पूरा। अगर आप भर देते हैं तो उस एक गिलास पानी को उठा के आप बकेट में डाल दो, क्या वो एक गिलास से ज्यादा हो गया? नहीं, स्टिल इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ग्लास। आप उसको बकेट में से निकाल के उठा के टब में डाल दो, टब में भी इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। तो वॉल्यूम बकेट में डाल देने से पानी बढ़ा नहीं, सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कैसा हो गया उसका? डेफिनेट। लेकिन गैसेस के केस में वॉल्यूम क्या हो जाता है? इनडेफिनेट। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ी सी स्मेल है, थोड़ी सी स्मेल है वो भी पूरे रूम में फैल जाती है, और बहुत ज़्यादा स्मेल है वो भी पूरे रूम में फैल जाती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर के अंदर मान लो कैपेसिटी है 20 kg की, ठीक है 20 kg। अब वो सिलेंडर की कैपेसिटी है, आप उसके अंदर 1 kg डालोगे तो 1 kg भी पूरे सिलेंडर के अंदर फैल जाती है। क्लासमेट में बताया था ना कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कराते, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, गैसेस कहीं भी इधर उधर घूम सकती है। जब वो इधर उधर घूम सकती है तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाती है, इसलिए वॉल्यूम भी कैसा हो जाता है? इनडेफिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई डिफाइन सॉलिड, क्वेश्चन है कि डिफाइन सॉलिड, क्वेश्चन इज हियर डिफाइन सॉलिड, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। एक्चुअल में सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर दैट है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है ना। सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड। ऐसे ही अगर कोई कहे कि भाई गैस को डिफाइन करो, तो गैस इज एक्चुअली दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर व्हेन आई से सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड और लिक्विड और गैस के केस में मैं उन सब प्रॉपर्टीज को अंडरस्टूड मानता हूँ जो आप क्लास नाइन्थ में पढ़ रहे हैं। जैसे क्लास नाइन्थ में आप क्या पढ़ाए? क्लास नाइन्थ में पढ़ा है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। या अभी हम उसको कर लेंगे, हालांकि 11th में हम इतना ज़्यादा नहीं मानते, इतना ज़्यादा नहीं डील करते। हम मानते हैं कि बच्चे ने 9th में पढ़ लिया तो उसको आता है, बट हम इसके आज के लेक्चर में ही इसको गो थ्रू करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है। इसलिए मैं साइड से थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ। केमिस्ट्री फिर से बता रहा हूँ, केमिस्ट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद थ्री क्वेश्चंस, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। और अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर। चलिए अगर मान लेते हैं कि कोई मुझे कहे कि सॉलिड, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर। चलिए अगर मान लेते हैं कि कोई मुझे कहे कि सॉलिड लिक्विड, और यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, पहले वॉल्यूम और शेप की हम बात कर चुके हैं। हम इसमें सॉलिड में क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच कराते हैं ऐसे, ठीक है ना। लिक्विड के अंदर क्या होगा? लिक्विड के अंदर गैप थोड़ा सा ज्यादा होगा, लाइक दिस। देयर विल बी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, देयर विल बी द स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। गैसेस में जो ये जो स्पेस होगा वो बहुत बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के केस में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की पावर। यहां स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई? स्ट्रॉन्गेस्ट है तभी तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ बहुत वीक है, एक दूसरे को वो खींच नहीं पा रहे, इसलिए जिस मॉलिक्यूल की जहां मर्जी आ रही है वहां उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट, और यहाँ क्या होते हैं? वीकेस्ट, और यहाँ क्या होते हैं? मॉडरेट। ऐसे ही हम बात करें अगर डेंसिटी की, डेंसिटी यहाँ पर क्या है?
डेंसिटी, सॉरी यहाँ डेंसिटी क्या है, हाईएस्ट, ठीक है, और यहाँ पर डेंसिटी क्या है, स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर डेंसिटी क्या है, यहाँ पर डेंसिटी है मॉडरेट। डेंसिटी हमें बताना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम सबसे कम होगा। वॉल्यूम क्यों कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच करे हुए हैं तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लिख लेते हैं इसको भी कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट, यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट, और यहाँ पर क्या है, मॉडरेट, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं और हम मान के चलते हैं कि बच्चे को ऑलरेडी आती है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, हमारे पास है होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। कंपाउंड है वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, अभी हम इस टॉपिक पे भी आएंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट वी हैव कैटेगराइज मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल के बेसिस पर हमने प्योर और इम्प्योर कहा, प्योर और मिक्सचर कहा। प्योर को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, ठीक है। इम्प्योर जो होगा वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर, ठीक है। ये जो मिक्सचर्स हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वन इज होमो
ये होमोजेनियस क्या है, हेटरोजेनियस क्या है, इसी को हम कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले, इसी को डिफाइन करने कर रहे हैं, या केमिकल प्रॉपर्टीज को ही मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, एक जिसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस एंड सेकेंड जिसको हम लोग बोलेंगे हेटरोजीनियस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है धीरे धीरे अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं कि भाई एलिमेंट क्या है। एलिमेंट, आई नो टुडे वी हैव 118 डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुके हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है हमारे पास जो है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट का नाम है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट मीन्स विच हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम, विच हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। इसके बाद सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि आयरन, लाइक कॉपर, ये सब क्या है, मेरे पास एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट के अलावा मेरे पास एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2। यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम इकट्ठे जुड़ के एज वन एग्जिस्ट करेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स विच एग्जिस्ट एज वन, विच एग्जिस्ट एज वन, इकट्ठा विच एग्जिस्ट एज वन या विच एग्जिस्ट टुगेदर, वो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन इकट्ठे हैं, ऐसे ही नाइट्रोजन, ऐसे ही फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का फॉर्मूला इज P4, यानी कि चार फॉस्फोरस मिलके इकट्ठे, टुगेदर दे कैन एग्जिस्ट, सल्फर एग्जिस्ट एज S8, ऐसे ही हमारे पास होता है H2O, H2O के अंदर देखें दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, जैसे कि अमोनिया NH3, एक नाइट्रोजन का एटम, तीन हाइड्रोजन के एटम। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इथेनॉल है या मिथेनॉल है, C2H5OH, इथेनॉल क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए। तो मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। ठीक है, लेकिन ये जो एटम्स आप जोड़ रहे हो सकता है सब एक जैसे हो, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर, ये सब जो है वो एक जैसे से हैं। अगर एक जैसे से हैं तो हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर लेते हैं, मींस मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटम्स, दैट इज होमो एटॉमिक। यहाँ देखो अलग अलग एटम्स है, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम अलग अलग है, यहाँ नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, अलग अलग एटम्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको डिफाइन कर लेते हैं, मींस मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक। तो एलिमेंट एक ही टाइप के एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म्स और आए, पहली जिसको हमने कहा होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब क्या है, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, जीनियस मीन्स फेज। ठीक है, सेम फेज, अब सेम फेज का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं क्या करूं, मैंने लिया वाटर प्लस मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर शुगर, वाटर का टेस्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, वाटर इज टेस्टलेस। शुगर का टेस्ट कैसा है, स्वीट है, लेकिन शुगर को उठा के जब पानी में डाल देंगे तो पानी का टेस्ट हमें कैसा लगना शुरू हो जाएगा, मीठा, स्वीट लगना शुरू हो जाएगा। क्यों लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स कर गए, जैसे ही आप उसको सिप लेंगे तो वाटर के और शुगर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आपके फेस में एंटर करेंगे, माउथ में एंटर करेंगे। बट
क्या आपने कभी ऐसा देखा है या कभी आपने ऐसा फील किया कि आपने पहली जो सिप ली वो बहुत ज्यादा मीठी थी, दूसरी जो सिप ली वो फीकी निकल गई, तीसरी जो सिप ली वो फिर से फीकी निकल गई, चौथी सिप ली फिर से मीठी आ गई? कैसा होता है? आंसर इसमें आप कहेंगे सर ये तो बड़ा जनरल सा है कि ऐसा नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आपने शुगर डाली वाटर के अंदर तो शुगर ने अपने आप को सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब जितनी शुगर ऊपर है उतनी शुगर बीच में है, उतनी शुगर उससे नीचे और उतनी ही शुगर बॉटम पे। ये ध्यान रखना, मैंने शुगर को डिसॉल्व कराया है, मतलब मेरे सॉल्यूशन के अंदर, मेरे इस मिक्सचर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं है कि नीचे शुगर अनडिसॉल्व बैठी हुई हो। मतलब सिर्फ एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच या दो चम्मच चीनी ही मैंने डाल रखी है। उस सिचुएशन में कि आप वाटर को ऊपर से सिप करो, बीच में से करो, नीचे से करो, जहां से मर्जी करो, डिग्री ऑफ स्वीटनेस इज सेम, मिठास बिल्कुल सेम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि शुगर ने अपने आप को सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। दैट्स व्हाई दैट इज योर होमोजेनियस। तो होमोजेनियस सेम फेज, फेज का मतलब क्या होता है? फेज का मतलब होता है एरिया, ठीक है? फेज मतलब एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पर प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में प्रॉपर्टी कौन सी मैं लेके चल रहा हूँ? डिग्री ऑफ स्वीटनेस, मिठास। तो मिठास ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट हर जगह क्या है? सेम है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया शुगर सॉल्यूशन। सिमिलर वे हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मींस अमाउंट ऑफ एनी कंपोनेंट छान लिया जाता है पहले, उसके ऊपर पहले नमक डालते हैं, ठीक है? जब ऐसे नमक डाल देते हैं आप, या सैलेड के ऊपर जब आप ऐसे नमक डालते हैं, तो क्या हर एक पीस पर, सैलेड के हर एक पीस पर अमाउंट ऑफ सॉल्ट सेम होता है? बिल्कुल नहीं होता। कहीं पर ज्यादा डल जाता है, कई बार एक ऐसा पीस होता है जहां पर सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे ही आटे में होता है, आटे में अगर आप नमक डाल दोगे और अभी तक आपने पानी नहीं डाला है तो वो क्या करता है? होमोजेनियस नहीं होगा, इट विल बी हेट्रोजेनियस। बीच में ज्यादा है, साइडों में बहुत कम। लेकिन इसमें अगर आप पानी डाल दो कि सैंड ऊपर की तरफ क्योंकि कम है, नीचे की तरफ बहुत ज्यादा है, देन दिस विल बी अमाउंट ऑफ गोल्ड, अमाउंट ऑफ सिल्वर, अमाउंट ऑफ कॉपर,
आगे अगर हम बढ़े तो देखो हमने यहाँ कहा कि भाई प्योर है एलिमेंट, एलिमेंट विच हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, एंड लेट मी टेल यू हियर एटम इज कंसीडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट. ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. लेकिन आज हमें पता है कि एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. मीन्स एटम को अगर मैं तोड़ने जाऊं तो एटम से तीन नई चीजें निकलेंगी. वन विल बी प्रोटोन, अनदर थिंग विल बी इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड विल बी न्यूट्रॉन. तो फिर हम एटम को स्मॉलेस्ट क्यों कहते हैं? एटम को स्मॉलेस्ट सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि दिस इज द एटम विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एटम ही केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंटली नहीं जाते. जो इंडिपेंडेंटली जो चीज केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो क्या है? एटम है. ठीक है, तो स्टिल वी कॉल एटम एज द स्मॉलेस्ट वन. तो हमने क्या सीखा? एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल फर्दर टू टाइप, होमोएटॉमिक, हेटरोएटॉमिक. तो यहाँ से हमने दो और वर्ड सीखे, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस. होमोजीनियस जो सेम फेज है, मतलब अमाउंट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन. हेटरोजीनियस मीन्स अमाउंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो यहाँ से इस डायग्राम से मुझे एलिमेंट भी समझ आया, मुझे होमोजीनियस और हेटरोजीनियस भी समझ आया. अब हमारे पास एक वर्ड रह गया है, वो क्या है? कंपाउंड. एक्चुअल में क्लास नाइन्थ की अगर मैं बात करूँ, देखो व्हाई आई एम टॉकिंग क्लास नाइन्थ अगेन एंड अगेन, बिकॉज क्लास नाइन्थ से ही हमने चीजें शुरू करी हैं. अगर कभी कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो क्लास नाइन्थ में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था और ही और शी इज फेलिंग फॉर द साइंस इन इलेवन, इट डजंट मीन कि आप पहले साइंस में वीक थे तो इलेवंथ में भी वीक होंगे. नहीं, इलेवंथ में बिकॉज थिंग्स आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, दैट्स व्हाई पीछे की नॉलेज मैटर नहीं करती. अगर आप इलेवंथ में पूरा फोकस होकर पढ़ेंगे तो आप कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे. मीन्स यू विल नॉट लैक एनीवेयर. ठीक है, सो हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी जिसको हमने कहा था मिक्सचर एंड कंपाउंड. यहाँ पर भी हमने दो वर्ड यूज करे ना, एक क्या था, एक हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया कंपाउंड, और दूसरा हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं मिक्सचर. तो हम देखें कि कंपाउंड और मिक्सचर में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है. तो देखें कंपाउंड के अंदर क्या होता है. कंपाउंड का एग्जांपल हो गया H2O, वाटर. मिक्सचर का एक सीधा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, गोल्ड ज्वेलरी. ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी. तो वाटर इज योर कंपाउंड. वाई कंपाउंड? क्योंकि यहां पर कंपाउंड की खासियत है कि टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. ठीक है, जैसे वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. कितने हाइड्रोजन है? 2. तो टोटल हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. तो 2:16 और आई कैन से 1:8. इसका सीधा-सीधा मतलब क्या है? फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यू विल रिक्वायर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए ऑक्सीजन? 8 ग्राम. अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन नहीं है तो वो कभी भी वाटर नहीं बनाएगा. समझ आ रही मेरी बात? तो जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड, प्रोपोर्शन इज ऑलवेज फिक्स. बट मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में प्रोपोर्शन इज नॉट फिक्स्ड. ये प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है. अगर प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, जैसे यहां एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी. गोल्ड ज्वेलरी के अंदर एक सीधी सीधी सी एग्जाम्पल है कि 24 कैरेट का आप यूज नहीं करते, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट की बन सकती है, 20 कैरेट की भी बन सकती है, 18 कैरेट की भी बन सकती है, 16 कैरेट की भी बन सकती है. मींस यहां पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर मेरे पास गोल्ड इतना है तो उस गोल्ड के अंदर इतने कैरेट सिल्वर या इतने कैरेट जो है कॉपर की मिक्सिंग करनी कंपल्शन है. ऐसी कोई कंपल्शन यहां नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल, शायद हो सकता है आप में से कुछ बच्चे चाय पीने के शौकीन हो. तो जब चाय पीने के शौकीन होते हैं तो चाय भी एक्चुअल में क्या होता है, मिक्सचर होता है. क्यों? तीन बड़ी बेसिक सी चीजें चाहिए आपको. चाहिए वाटर, आपको चाहिए मिल्क, आपको चाहिए टी लीव्स, आपको चाहिए शुगर. ठीक है, लेकिन अब ध्यान दो, कुछ कुछ लोग ऐसे
जो चाय में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाते, वो सिर्फ दूध से बनाते हैं, मतलब उनके लिए कंपल्शन नहीं है पानी होना। कुछ लोग कम दूध की चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग टी लीव्स चाय पत्ती ज्यादा डालते हैं, कुछ लोग बहुत कम डालते हैं, कुछ लोग बहुत फीकी चाय पीते हैं या बिल्कुल भी चाय के अंदर चीनी नहीं डालते, कुछ बहुत ज्यादा चीनी डालते हैं। यानी कि ये कोई रूल नहीं है कि भाई अगर आपने चाय बनाते वक्त इसके अंदर जो है इतनी चीनी नहीं डाली तो आपको 6 महीने की जेल हो जाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन कंपाउंड के अंदर दिस इज फिक्स कि जिन एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके कंपाउंड बनाना चाहते हो उनमें कौन सा कितने ग्राम आएगा, अगर उतना नहीं डाला तो कंपाउंड नहीं बनेगा। तो प्रोपोर्शन ऑलवेज फिक्स्ड, बट हियर प्रोपोर्शन इज नॉट फिक्स्ड। आई बात समझ, प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओनली एंड ओनली फिजिकल चेंज है, देयर फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस, कि सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज होने का मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि भाई देखो गोल्ड ज्वेलरी मैं लेके चल रहा हूँ तो उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है, लेकिन अगर टाइम आने पे आप गोल्ड को अलग निकालना चाहो निकाल सकते हो, सिल्वर को अलग निकाल सकते हो, कॉपर को अलग निकाल सकते हो। यानी कि ज्वेलरी के अंदर गोल्ड सिल्वर कॉपर अपने ही फॉर्म में है, वो किसी नई चीज में कन्वर्ट नहीं हो रहे। यहाँ अगर मैं कहता हूँ फिजिकल चेंज देयर मीन्स नो एनी न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नो एनी न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बट कंपाउंड के केस में, कंपाउंड के केस में आई विल से कि केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, इसके अंदर कोई नई चीज बनेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ही बनाना है, वाटर कैसे बनेगा, H2 प्लस हाफ O2 क्या देगा आपको H2O। अब ध्यान दो यहाँ कि भाई वाटर तो H2O तो क्या हो गया मेरे लिए, कंपाउंड। कंपाउंड किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और है, ऑक्सीजन की कुछ और है, जब इन दोनों को कंबाइन करके वाटर बनाए तो प्रॉपर्टी कुछ और है। एक सीधा सा एग्जांपल दे देता हूँ, हाइड्रोजन में आग लग सकती है, ऑक्सीजन इज हेल्पफुल इन द कंबशन, लेकिन क्या पानी में आग लगती है, आंसर इज नो। मींस यहां कंपाउंड जब बना तो केमिकल चेंज आया, और जो केमिकल चेंज आया और ये जो कंपाउंड बना, कंपाउंड है, कंपाउंड है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि जिससे आपने उसको बनाया है उसके कंपैरिजन में अलग प्रॉपर्टी आएगी। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कि प्रॉपर्टीज विल बी मिडवे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यहां प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं आता। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की लेस्चर होती है, सिल्वर की लेस्चर होती है, इनकी भी होती है। कंडक्टर है कि भाई ठीक है, सिल्वर आप डाल रहे हो कंडक्टर भी होगा, तो यहाँ प्रॉपर्टीज में कुछ खास फर्क नहीं आता। ठीक है, इसको क्या हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बाय फिजिकल चेंज, बाय फिजिकल मेथड्स मिक्सचर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लेकिन यहां बाय केमिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड्स कंपाउंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है इस मिक्सचर और कंपाउंड में, वो ये है कि कंपाउंड में प्रोपोर्शन फिक्स है लेकिन मिक्सचर में प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, दिस इज द लेक्चर 1। अगला जब लेक्चर आएगा तो हम क्या कहेंगे, हम किस बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि भाई जब हम कह रहे हैं कंपाउंड में क्या होगा, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, है ना, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, तब जाके वाटर बना। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको वो फॉलो करती हैं। अब वो कौन कौन से रूल रेगुलेशन है उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इवन जब नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, या डेंसिटी क्या होती है,
इनके बारे में हम में भी हम बात करेंगे. सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर में मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ेंगे जो हमें आगे जाके काम बहुत ज्यादा काम आने वाले. ठीक है, टिल देन आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, क्योंकि 11th क्लास में आप जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा. आप जितना ज्यादा खुद किताबों को टाइम देंगे चांसेस ऑफ योर सक्सेस विल इंक्रीज देयर. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एट माय नंबर. आई एम अगेन गिविंग यू माय नंबर. माय नंबर इज 999-122-5067. दिस इज माय पर्सनल नंबर. यू कैन कॉल मी एनी टाइम. यू कैन लीव अ व्हाट्सएप मैसेज और यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड इंपॉर्टेंट वन सब्सक्राइब. And share it with your friends as well. In case of any doubt, contact me. Till then, all the best.